हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईवीएफ के केस में डॉक्टर जो एंडोमेट्रियम को तैयार करते हैं, बचदानी की जो लाइनिंग है इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करते हैं, वो कैसे करते हैं। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के केस में एम्ब्रियो ट्रांसफर करने से पहले डॉक्टर एंडोमेट्रियम को चेक करते हैं कि एंडोमेट्रियम की जो ग्रोथ है वो सही है या नहीं है। अच्छे सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए जो एंडोमेट्रियम है उसकी थिकनिंग 7 से 14 mm की होनी चाहिए। ट्रिपल लाइन एंडोमेट्रियम होना चाहिए और साथ ही साथ इसमें जो ब्लड फ्लो है वो अच्छा होना चाहिए। आईवीएफ के केस में मैक्सिमम टाइम में डॉक्टर फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना प्रेफर करते हैं और इसके लिए जिस साइकिल में वो एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करते हैं उस साइकिल में एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि अगर आप एम्ब्रियो को एक बीज की तरह माने तो एंडोमेट्रियम मिट्टी है और बीज को अच्छे से ग्रो करने के लिए एक अच्छी मिट्टी यानी उपजाऊ मिट्टी का होना ज़रूरी है, यानी कि जो एंडोमेट्रियम है उसका सही ग्रोथ होना ज़रूरी है। एंडोमेट्रियम को दो तरीके से तैयार किया जाता है, पहला है नेचुरल वे और दूसरा है हार्मोनल वे। अगर आपकी मेस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है, ओवुलेशन सही समय पे हो रहा है, तो ऐसे में डॉक्टर नेचुरल वे से, जो नेचुरल तरीका है, उससे एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करते हैं। इस केस में आपको ऊपर से किसी भी तरह के हार्मोन का सप्लीमेंट नहीं दिया जाता है, बस आपके क्लोज मॉनिटरिंग की जाती है और आपके ओवुलेशन को चेक किया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर ओवुलेशन को ट्रिगर करने के लिए HCG का इंजेक्शन लगाते हैं। ओवुलेशन के लगभग 5 दिन बाद आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। इस नेचुरल वे में जो एंडोमेट्रियम प्रिपेयर किया जाता है उसमें आपको डॉक्टर के पास ज़्यादा बार विजिट के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि आपकी क्लोज मॉनिटरिंग होती है कि किस डेट पे कितना एंडोमेट्रियम ग्रो कर रहा है, ओवुलेशन कब हो रहा है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर मॉनिटर करते हैं। हार्मोनल वे में आपको ऊपर से हार्मोनल सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। जो एंडोमेट्रियम है वो दो हार्मोन के अंदर में काम करता है, पहला एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन जो है वो एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाता है और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करता है। आपको पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन से एस्ट्रोजन का सप्लीमेंट दिया जाता है। इसका कोई भी फिक्स डोज नहीं होता है, ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है और अलग अलग डॉक्टर का अलग अलग अपना रेजिमेंट होता है। इसके साथ ही एंडोमेट्रियम के ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए डॉक्टर कुछ सपोर्टिव मेडिसिन भी देते हैं, जैसे मल्टीविटामिन, सिल्डेफेन, आर्जिनिन ग्रैनुल्स और इकोस्पोरिन भी साथ में दिया जाता है। इकोस्पोरिन एक ब्लड थिनर है और ये एंडोमेट्रियम में ब्लड फ्लो को बढ़ाने में भी काफ़ी मदद करता है। 7 दिन बाद ट्रांसवेजाइनल यूएसजी से चेक किया जाता है कि एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो 7 mm या उससे ज़्यादा हो गई है। अगर ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस 7 mm से ज़्यादा हो जाती है तो उसके बाद डॉक्टर प्रोजेस्टेरॉन ऐड करते हैं ताकि जो एंडोमेट्रियम है वो इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर हो सके। प्रोजेस्टेरॉन ऐड करने के 5 दिन बाद डॉक्टर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्लान करते हैं। तो उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से एंडोमेट्रियम को आईवीएफ की साइकिल पे प्रिपेयर किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा। थैंक यू।